उसका दायरा भी ये होगा कि अभी तक ये माना जाता है कि एसएचजी और एनआरएलएम में जो गरीब महिलाएं जुड़ी हैं, ये मुझे नहीं पता कि आपका जो है मतलब लोगों नमस्कार, मेरा नाम रीता देवी है और मैं ग्राम पंचायत हरिपुर की रहने वाली हूँ। मेरे गांव का नाम बंडारका है और हमारे एसएचजी का नाम आस्था स्वयं सहायता समूह है और हमारे बीओ का नाम एकता महिला ग्राम संगठन है, जिसमें 9 समूह जो है मिलकर काम करते हैं। इसमें हमारे सारे समूह जो है अलग अलग काम करते हैं और हमारे एसएचजी जो बना था वो 2014 में वाटरशेड में था और 2018 में एनआरएलएम ने अडॉप्ट किया था। उसके बाद हमें 2019 में फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग बालू आरसेटी में दी गई, जिसमें हमने डिफरेंट प्रकार के पिकल्स और जो चंबाचूक है उसको बनाने के तरीके सीखे। उसके बाद हमने 2019 में चंबा में एग्जीबिशन लगाई मिंजर फेयर में और धीरे धीरे हमने जगह जगह प्रदर्शनियां लगाई, जिससे कि हमारे वीओ की महिलाओं ने मिलके फूड प्रोसेसिंग का काम स्टार्ट किया और धीरे धीरे हमने जो है अच्छे स्तर पर काम करना शुरू किया। अब हम जो है दिल्ली जैसे चंडीगढ़ शिमला में जगह जगह प्रदर्शनियां लगाते हैं और हमारे जो महिलाएं मिलके कार्य करती हैं तो उसमें हमारी अच्छी आमदनी हो जाती है। हमारे बीओ में 56 लेडीज हैं तो हमारी 56 लेडीज में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी में जुड़ी हुई हैं, जैसे गाय रखी हुई है जिससे वो दूध की जो डेली मंथली सेल जो है 15 से 20 हजार कमा रही है, और हमारी प्रत्येक महिला जो है अलग अलग एक्टिविटी में जुड़ी है, जैसे फूड प्रोसेसिंग में है कुछ, और हमारे एनआरएलएम के थ्रू हमें जो है हिमीरा कैंटीन भी मिली है जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज में है, उसमें भी हमारी बीओ की एसएचजी की महिलाएं कार्य कर रही हैं और वो भी अच्छी आमदनी कमा रही हैं। और हमें जो है एनआरएलएम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया है जिसके थ्रू हम जो है जगह जगह महिलाएं जो है सशक्त हो रही हैं और अच्छी आमदनी कमा के अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर रही हैं। और हमें जो है जैसे डिफरेंट टाइप के फंड भी मिले हैं, जैसे रिवोल्यूम फंड है, सीआईएफ फंड है, पीएफएमई का फंड है, उससे जो है हम अपने कार्य को जो है बड़े स्तर पे भी कर रहे हैं और हमने जो है छोटी छोटी मशीनों का भी कलेक्टिवली परचेज किया है और उसको जो है हम अपने कार्य को आसानी से कर रहे हैं और हम सीजनेबल डिफरेंट टाइप के अचार चुक बना के जगह जगह पे सेल आउट करते हैं। जैसे हमारी चंबा में ही मीरा शॉप है उसमें रखते हैं, हमारा जो डीआरडीए में वेयर हाउस है वहाँ पे भी हमारा सामान जाता है और खजियार में जाता है, जिससे कि हमारी आमदनी अच्छी हो रही है और प्रत्येक महिला जो है सालाना 15 से 20 हजार अच्छी तरह से कमा रही है, जिससे कि है वो अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही है और अपनी आय को भी सुदृढ़ कर रही है। नमस्कार सभी को, माई सेल्फ निशा, एज ए एमई मिशन एग्जीक्यूटिव मैं एज ए डेवलपमेंट ब्लॉक चंबा में बैठती हूँ और मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ 2022 से जुड़ी हुई हूँ। इस मिशन में जुड़ के हम लोगों ने मेन अपना जो मोटो रखा हुआ है वो है वुमेंस एम्पावरमेंट का, कि वुमेंस जो है जो किसी कारणवश से पिछड़ गई है रूरल एरियाज़ की या पढ़ नहीं पाई है, बट कि जो उनके स्किल्स हैं वो हाथों के वैसे ही रह गए हैं, उनको कैसे बाहर लाया जाए और उनको लाइवलीहुड के साथ कैसे जोड़ा जाए, पर लाइवलीहुड मॉडल ऐसा हो जो सस्टेनेबल हो, मतलब टिकाऊ आजीविका की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं। इसके लिए तो सबसे पहले एचपीएसआरएलएम वालों ने जो वुमेन्स हैं उनको ट्रेनिंग करवाई, जो जो स्किल में वो मास्टर थी उन ट्रेनिंग्स के बाद उनको कई तरह की फंडिंग दिलवाई, जिसके सबसे मेन फंडिंग जो आज हम जैसे कि आपने हमारे कुछ सक्सेस स्टोरीज देखेंगे आप, वो है फूड प्रोसेसिंग पे। फूड प्रोसेसिंग इसके लिए एचपीएसआरएलएम ने एक पीएमएफएमई फंड डिसाइड किया हुआ है, जो पर एसएचजी लेडी जो है 40,000 रुपये दिया जाता है, उसमें से 15,000 जो है उनको मशीनरी का दिया जाता है कि जो भी वो काम करना चाहती है उसके लिए वो मशीनरी खरीदे और बाकी रॉ मटेरियल के लिए। और रॉ मटेरियल का ऐसा है कि एसएचजी की प्रोडक्ट की तरफ लोगों की अट्रैक्शन है, इसलिए क्योंकि रॉ मटेरियल भी उनका अपना घर का है, ऑर्गेनिक है,
जो भी वो बना रही हैं, पिकल्स है या चुक है या शीरा है, वो टोटली उनका अपना प्रोडक्शन है। तो ना प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, जो प्रोडक्ट वो प्रोसेसिंग कर रही है वो भी खुद कर रही है, मार्केट में जो पैकेजिंग लेबलिंग के साथ जा रहा है उसमें भी HPSRL उनको सपोर्ट कर रहा है, कि मार्केट लिंकेज भी प्रोवाइड कर रहा है, कई तरह के सर्सफेयर है, हिमिरा शॉप्स दे रखी है इनको, हिमिरा वीकली मार्केट लगती है, तो उनको मार्केट के लिए भी डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। तो आज हम इस कड़ी में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हर एक महिला महीने के अंत तक कोई 20-25 हज़ार अर्निंग करके अपने घर ला सकती है।